नमस्कार बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है आज हमारी एक बहुत कीमती एक्सरसाइज 4.2 जो 6 नंबर के सवालों के रूप में आएगी, उसमें एक पार्ट हमारा और रह गया था निरपेक्ष मान वाले। तो हम सीधे एक्सरसाइज 4.2 में आप लोगों को लिए चलते हैं, पेज नंबर 79। और ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। ये देखिए बच्चों, इस तरह से दो लाइनें जो आप लोगों को दिख रही है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान मॉडुलस इनको बोलते हैं, इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। जब कभी इस तरह की चीज मिले आप लोगों को, ये दो खड़ी लाइनें जो आप लोग देख रहे हैं सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में, फर्स्ट और थर्ड, इनमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिर्फ इतना सा करना है बच्चों आप लोगों को कि ऐसी स्थिति में, एक्चुअल में निरपेक्ष मान में पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आप यहां पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो अलग अलग पार्ट में मान इनको बांट दीजिए, और एक पार्ट में एक्स लिखिए, एक पार्ट में ये माइनस एक्स लिख दीजिए। अगर यहां पे एक्स माइनस वाई है तो एक पार्ट में हम एक्स माइनस वाई लिखेंगे और दूसरे पार्ट में माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। किस तरह से देखिए, और यहां एज इट इज लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अभी हम चिन्ह को नहीं बदल रहे हैं। यस, एक में प्लस लिया, एक में माइनस लिया। कब करते हैं? निरपेक्ष मान वाले मामले में। अब यहां पे सारणी बनाने के लिए, सारणी बनाने के लिए आपको पिछली बार भी कहा था कि बराबर वाली चीज एक्स बराबर 3 हम इसमें ले लेंगे, और इससे हम जो सारणी बनाएंगे बच्चों एक्स और वाई के मानों की, हमने आपसे कहा था कम से कम 3 मान आप लोग मान लीजिए एक्स और वाई, क्योंकि इसमें वाई नहीं दिख रहा है, तो वाई के मान तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, क्योंकि वाई है ही नहीं। तो यहां पे एक्स का मान सदैव 3 रहेगा, ये 3, 3, 3, और यहां उस दिन की तरह से हम 0, 1, 2 मान ले लेते हैं। अब बच्चों ये भी नहीं है कि आप 1000, 1001, 1002, क्योंकि ग्राफ में भी तो हमें ही प्रकट करने हैं ना बच्चों, कुछ भी नहीं से ये मतलब नहीं, कुछ भी ले लिया। ऐसे यहां देखिए, यहां पे ये माइनस है ना बच्चों, एक बात हम बता दें जरा, समीकरण में तो माइनस से गुणा करने पे काम चल जाता है, लेकिन यहां पे ये माइनस वाली जो चीज है, अगर हमने इसको माइनस से गुणा किया तो ये चिन्ह बदल जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिलहाल हम इसी से समीकरण बना रहे हैं एक्स बराबर 3 लेके, तो ये एक्स बराबर माइनस 3 बन गया, एक्स बराबर माइनस 3, ये एक्स और ये वाई, इस बार एक्स का मान माइनस 3, तो ये माइनस 3, माइनस 3, माइनस 3, इधर वाई का मान, चूंकि वाई है ही नहीं, श्रद्धा आपकी कुछ भी रखिए, तो 0, 1, 2, यहां पे भी 0, 1, 2 हम रख रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अब इन समीकरणों के आधार पे हम ग्राफ में काम करेंगे। यस, इधर आ जाओ बच्चों आप लोग, अब समझने के लिए, अरे उठना नहीं अपनी जगह पे, इधर देखना है आपको सिर्फ, एक्स एक्स डैश और इधर वाई वाई डैश, अगर कहीं पे मान ज्यादा होंगे तो उधर की चीज हमारे को पार्ट बड़ा रखना होगा, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन हम इधर खींचे या इधर खींचे, ग्राफ में ध्यान रखिए। फिर से कह रहे हैं ये 4 नंबर, मतलब चौथी एक्सरसाइज जो है अध्याय 4, इसके 6 नंबर जाने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। यस, पहले यहां निर्देशांक लिख ले हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 आदि, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से -1, -2,
माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। अब देखो पहला निर्देशांक तीन जीरो, तीन जीरो कहां लगा, इसी जगह पे। अब तक बच्चों आप लोग ये बात तो क्लियर हो गई ना आप लोगों को कि पॉइंट कैसे लगता है, निर्देशांक कैसे क्या दर्शाए जाते हैं, तीन जीरो और फिर है तीन एक, फिर तीन दो, तो हम यहां पे पॉइंट लगा ही लेते हैं बच्चों पहले से ही। यस, ये यहां लगा तीन एक और तीन दो यहां लगा, तो इनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं बच्चों, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये हमने रेखा खींच ली, एक यहां और एक यहां, ये आपका तीन एक और ये तीन दो। और बच्चों दिख तो रहा है, तो ये एक सरल रेखा हमारी यहां पे खिंच गई, ठीक है। ठीक इसी तरह से इस वाले को देखते हैं हम, तो ये किस समीकरण को प्रकट कर रहा है, x बराबर तीन को, एक सरल रेखा एक समीकरण के द्वारा, एक समीकरण एक सरल रेखा के द्वारा। यहां पे एक मान तो ये वाला माइनस तीन शून्य और इसके बाद हाँ एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा, ये हुआ माइनस तीन एक और ये माइनस तीन दो, बस इनको मिलाते हुए एक सरल रेखा हम खींच देंगे इस तरह से। अब की बार ध्यान रखना बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये वाला तो x बराबर माइनस तीन को प्रकट कर रहा है, अब ध्यान रखो छायांकित किधर करेंगे, दिक्कत तो ये है। तो अब हम वापस से याद करते हैं केवल लेस वाले को, x इज लेस देन थ्री, और हमने आप लोगों को उस दिन बताया था निर्णायक मंडल शून्य शून्य, इस बार काम में नहीं आ रहा है, तो आओ हम जीरो जीरो की मदद लें। x ही है तो x का मान शून्य लगाया, क्या जीरो तीन से छोटा है, क्या जीरो तीन से हाँ हाँ छोटा है, अरे हाँ या ना तो बोलो, बिल्कुल छोटा है, यानी कि ये इसको सही कह रहा है। ठीक इसी तरह से हम यहां पे ध्यान दीजिए, ये माइनस एक्स लेस देन थ्री वाली बात ले रहे हैं, तो ये माइनस के केस में भी ये जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या आया, ये बात भी वही की वही है, तो इसमें आप लोग अगर आंसर शीट में देखे बच्चों छायांकित वाला मामला, तो आप देखोगे कि दोनों ही स्थितियों में संतुष्ट कर रहा है, दोनों ही स्थितियों में संतुष्ट कर रहा है। कुछ बच्चे कि सर एक बार माइनस इधर भेज के देखिए, तो बच्चों इसके साथ में ये चिन्ह भी बदलता है, इसलिए आप कोई कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे दोनों स्थितियां कह रही है कि हां निर्णायक मंडल के लिए ये सेटिस्फाई है। और चूंकि जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पे इक्वल का साइन भी है, तो यहां पे एरो जिनका उस दिन मैंने आपको बताया था कि इस पे स्थित बिंदु इनको भी हमें सम्मिलित करना है, ये एरो इस बात को दर्शा रहे हैं कि इस संख्या रेखा के बिंदु भी इसके साथ हैं, और ठीक इसी तरह से इधर में भी, ये इधर और ये इधर, दोनों शून्य को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मूल बिंदु को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये बीच के पार्ट में शेडेड हो जाएगा बच्चों, छायांकित हो जाएगा बीच के भाग में, थोड़ा हल्का हल्का सा शेडेड आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना छायांकित कर सकते हैं हल्का हल्का सा। तो ये आंसर शीट में पहले का आप लोगों को पेज नंबर 82 पे आंसर शीट में दिख रहा होगा, इस पार्ट को शेडेड किया, क्यों, क्योंकि दोनों ही मूल बिंदु के लिए सही साबित हो रहे हैं। अब बच्चों सुनो, इसमें जो सेकंड और थर्ड के आंसर शीट में है ना, सेकंड और थर्ड, उसमें उत्तर आप लोगों के बदल गए, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड हो गया बेचारे का। तो आंसर शीट अभी हम बताएंगे
चूंकि हम ये निरपेक्ष मान वाला ले रहे हैं तो पहले हम आप लोगों को निरपेक्ष मान वाली चीज ही बता रहे हैं, इसलिए थर्ड पार्ट हम पहले लेंगे। अब जल्दी से इसको तो उतार लीजिए, उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, निरपेक्ष मान में केवल ये ध्यान रखिएगा, एक में प्लस और एक में माइनस लगा के उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। छायांकित वाला पार्ट ही आपका हल क्षेत्र है। और अब हम आपको तीसरे पार्ट में लिए चलते हैं, क्योंकि निरपेक्ष मान वाले सवाल हम पहले ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, यस सेकंड का कौन सा पार्ट? हाँ, थर्ड पार्ट। कहा गया है x माइनस वाई, और यही दो खड़ी लाइन जो निरपेक्ष मान को प्रकट कर रही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सवाल ध्यान से उतारिएगा आप लोग, नहीं तो बच्चों आप क्या, हम भी गलत उतार लेंगे तो गलत हल होगा ना बच्चों, ध्यान रखिए। ठीक है, कभी कभी देखा गया है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अपने नंबर खो देते हैं, और फिर वो उनको बिल्कुल हमेशा के लिए वो रहता है कि हमारे वो 6 नंबर चले गए थे, उस वजह से बहुत दुख होता है बच्चों जब किसी सवाल को आते हुए हम गलत कर ही आते हैं। ठीक है ना बच्चों, इधर ध्यान रखो। अब जैसा मैंने आपसे कहा, पहली स्थिति में x माइनस वाई लिखिए, ब्रैकेट में चाहे बंद कर दीजिए, दूसरी स्थिति में माइनस यहां लगा दीजिए, एक्स माइनस वाई लिखिए, और यहां जो है वैसे की वैसे ही लिख दीजिए, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब पहले हम समीकरण बनाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई बराबर 1। और इधर में क्या हुआ बच्चों? हाँ हाँ, माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले इक्वल बना के हम यहां पे सारणी के लिए समीकरण की रूपरेखा थोड़ी सी बदल रहे हैं, एक प्लस वाई, और इधर में माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, तो वाई बराबर 1 प्लस एक्स, दोनों में फर्क हो गया, यहां एक्स बराबर 1 प्लस वाई है, यहां वाई बराबर 1 प्लस एक्स है। चूंकि समीकरण बेहद आसान है तो इसलिए समीकरण के मान आप आसानी से लिख सकते हैं। यहां y का मान 0, 1, 2 हम लिख रहे हैं, तो x का मान इस बार xy दोनों हैं बच्चों, तो समीकरण के अनुसार प्राप्त होगा, यहां पे 0 लगाया हमने तो y का मान 1 आया। वापस से देखिए, यस y के मान लगाने हैं बच्चों, ध्यान रखो y के मान लगाने हैं हमारे को, एक्स के नहीं, एक्स के तो प्राप्त होंगे 0, 1, 2। आइए, 0 मान लगाया तो 1, 1 लगाया तो 2, और 2 लगाया तो 4। फिर से देख लो, 0 लगाया 1, ये गलत है ना बच्चों 4, अरे तो ध्यान से लिखो ना बच्चों, ऐसे नहीं, भावनाओं में मत बहिए। 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 0 + 1 = 1। ठीक इसी तरह से हम इसमें भी मान लगा रहे हैं, अब की बार हम मान इधर की साइड में x है तो x के मान 0, 1, 2 लिख रहे हैं, 0 यहां पे लगाने पे 1, 1 लगाने पे 2, 2 लगाने पे 3, यानी ये मान
उलट गए आपस में, जो y के मान थे वो x के हो गए, x के मान y में हो गए, निरपेक्ष मान में ऐसा हो जाता है। अब ये तो आप उतार लीजिए, इधर का हम समझा रहे हैं आप लोगों को, उतारने में ध्यान दीजिए आप लोग। बच्चों इन नंबरों को जाने मत देना, नहीं तो पता है आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा। यस, ध्यान दीजिए, पहली इस स्थिति में एक जीरो, एक जीरो, तो यही एक जीरो है, फिर क्या है दो एक। हम थोड़ा सा इस जगह को बदल लेते हैं क्योंकि यहां से सरल रेखा गुजरेगी, दो एक, ठीक है, और इसी तरह से तीन दो। आइए इनको मिलाते हुए हम सरल रेखा खींचे, ये इस तरह से गई बच्चों ये रेखा, ठीक है। ये निर्देशांक क्या था, तीन दो, ये क्या था दो एक, और ये क्या था एक जीरो। ये किस समीकरण को प्रकट कर रहा है, हाँ हाँ, समीकरण है x बराबर एक प्लस वाई। अब हम दूसरी सारणी ले रहे हैं जीरो एक, तो यहां पे ये जीरो एक इस जगह पे पॉइंट लग गया, जीरो एक, और फिर है एक दो, ये एक और दो, फिर उसी स्थिति में यहां पे ये टकरा रहा है, एक दो। बच्चों ध्यान दो, इधर 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 देखो आप लोग, एक दो यहां पे था जीरो एक, एक और दो कहां हुआ इस जगह पे, और फिर क्या है दो तीन इधर। इनको हम थोड़ी सी सावधानी से लाइन खींचते हैं इस तरह से, यहां पे कितना है दो तीन, ध्यान से लिखो बच्चों आप लोग। अब ये तो हुई समीकरण से सरल रेखा, यानी ये y बराबर एक प्लस x को प्रकट कर रही है। अब रही बात छायांकित किधर होगी, तो इसके लिए हम वापस से x माइनस y इज ग्रेटर देन वन, इक्वल को छोड़ देते, इक्वल इधर ग्रेटर इधर, और इधर बच्चों इधर ध्यान दो आप, ये दिख नहीं रहा अभी दिखा देते आप लोगों को, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन वन, निर्णायक मंडल शून्य शून्य, जीरो जीरो। तो इधर बच्चों जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही हो गया ना, क्या ये एक से बड़ा है क्या, नहीं, तो जिधर मूल बिंदु है ना उधर छायांकित नहीं होगा, दूसरी तरफ होगा, और यहां पे इक्वल था ना तो एरो लगेंगे, हमारी पहली रेखा ये थी, तो यहां पे ये इस तरह से एरो, तो आप लोग इस बार हम थोड़े से बड़े बना देते हैं जिससे हमारे नन्हे मुन्नों को दूर से दिखाई दे जाए, और इनको छायांकित करेंगे इस ओर, ठीक है, शून्य शून्य जहां है उसके विपरीत ओर, और इस वाले में इधर ध्यान दो, माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन वन, तो यहां पे भी क्या हो गया जीरो जीरो, क्या वो एक से बड़ा है क्या,
अरे नहीं ना बाबा छोटा है, तो यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसमें भी हम वही एरो लगाएंगे, वही एरो लगाएंगे और शेडेड इस तरफ कर देंगे, इस तरफ शेडेड। अब मैं ये कह रहा था आप लोगों से, इसकी जो आंसर शीट है ना बच्चों, ये थर्ड पार्ट है, लेकिन जो आंसर शीट है, संभवतः आप लोगों के पास में भी किताब ऐसी होगी, दो लाइनें आप लोगों को दिख रही होगी, तो वो सेकंड में छप गया है वो, जबकि वो थर्ड है हमारा पार्ट। बच्चों उतारने में ध्यान दो, उतारने में ध्यान दीजिए, उतारिए ध्यान से, और अगर ग्राफ आज लेके आए हैं तो उसमें कीजिए, नहीं तो आज की तारीख में यानी 1 फरवरी को ये जरूर कीजिए, उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, अच्छा आप एक बात ये भी समझ गए होंगे कि जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, निरपेक्ष मान वाले सवाल होते हैं, तो आपको दो स्थितियां मिलती है, तो दो रेखाएं खींचती है, ठीक है ना। अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट करेंगे उसमें ये लाइनें नहीं है, तो वहां पे एक ही रेखा हमें दिखाई देगी, करेंगे इसी तरह से। तो एक बार उस सवाल को भी हम ले लेते हैं, इसी के साथ में हमारी ये चौथी एक्सरसाइज, जो टारगेट हमारा था 6 नंबर का, वो पूरा हो जाएगा। और जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, हमारी अगली जो क्लास होगी वो 17वीं एक्सरसाइज के लिए होगी, 17th। आप में से कई बच्चों को वो माध्य, माध्यक, बहुलक बहुत अच्छी तरह से निकालना आता है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी जानकारियां हैं जो अभी भी हो सकता है आप लोगों को नहीं मालूम हो, तो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। बच्चों कुछ बातें आपको मालूम हो हमें बताइएगा कि इसमें ऐसा भी होता है, और नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है ना। बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि हम ही आपको सिखाते हैं, आपसे बहुत जानकारी हमें मिलती है बच्चों, अनुभव आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही मिलता है हमें कि बच्चे ऐसा भी सोचते हैं। यस कम ऑन, सेकंड पार्ट सवाल नंबर 2 का ये रहा आपके सामने, 3x-2y और इधर लेस देन इक्वल टू x+y-8। अब की बार निरपेक्ष मान नहीं है, समीकरण वापस से बच्चों सुनो 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 सही सही एक बार चेक कर लो, 3x-2y बिल्कुल लेस देन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू x+y-8 बिल्कुल ठीक उतारा है। आगे चलिए, पहले समीकरण बनाने के लिए हम इक्वल का साइन लेंगे, तो 3x-2y इज इक्वल टू x+y-8, यहां पे दोनों इधर आए, 3x-x-2y-y-8 उधर ही रहेगा, इधर नहीं लेके आ रहे, नहीं तो प्लस का हो जाएगा, बराबर -8। एक बार पुनः पुनः देख लीजिए, x को गिराया इधर, 3x-x हो गया, -2y पहले से था, y इधर लेके आए, -y बराबर -8, तो 3x-x 2x, -2y-y-3y बराबर -8। तो पहले हम समीकरण का थोड़ा सा रूप चेंज कर लेते हैं, 3y-8x इज इक्वल टू 3y-8/2। आपको मैंने पहले भी कहा था, कुछ भोले बंडा मतलब कुछ भोले वाले बच्चे यहां 2 से उड़ा देते हैं 60 को 4 बार,
अरे बच्चों ये जो दो है ना, दोनों पे बराबर अधिकार रखता है, कटेगा नहीं। वाई का मान थोड़ा सा आप सोच समझ के लगाइए कि हमारा बटे में मान नहीं आए। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारे को ये आठ अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। ये लीजिए, अब आठ आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पे y के मान हम लगाना चाहते हैं ऐसे कि बटे में मान हमें प्राप्त नहीं हो, तो हम थोड़ा सा डिजाइन इस तरह से बता रहे हैं, तीन यहां ब्रैकेट माइनस आठ बटे दो, एक बार x बराबर तीन और ये ब्रैकेट माइनस आठ बटे दो, और एक मान और हम यहां नीचे ही बता देते हैं, दिख जाएगा बच्चों आप लोगों को, या इधर करें देख लेंगे अभी। यस, वाई का मान अगर हम शून्य गिराएं, वाई का मान शून्य, याद रखना वाई का मान अगर हम शून्य गिरा रहे हैं तो ये शून्य हो गया माइनस आठ बटे दो बराबर, हाँ माइनस चार, ठीक है। जो बच्चे इधर ध्यान दे रहे हैं वो तो माइनस चार बोल चुके, और इधर में अब मैं अगर एक मान लगाऊंगा ना तो वो बटे में आ जाएगा, हम नहीं चाहते बटे वाला मान, तो हम दो, इसके लिए आपको बताया था जीरो और दो जोड़ लीजिए, दो, फिर दो और दो चार लगा देंगे तो बटे वाला मान आपको प्राप्त नहीं होगा। यहां पे तीन दुनी छह माइनस आठ, छह माइनस आठ बटे दो माइनस का एक, और अगला मान एक्स बराबर, इधर ही करवा रहे हैं बच्चों आप लोगों को, ये तीन और यहां चार मैंने आपको बताया था, तो चार थी बारह, बारह में से आठ गए तो चार, बारह माइनस आठ चार बटे दो दो। तो यहां पे अब की बार आपको जो सारणी है वो सावधानी से बनानी है बच्चों, एक्स के क्या क्या मान माने थे हमने, अरे एक्स के मान नहीं माने थे, वाई के माने थे, जीरो दो चार, जीरो दो चार वाई के मान, और एक्स के मान आया माइनस चार माइनस एक और दो, ये एक ही तो सारणी बनी, तो एक समीकरण से एक लाइन खींचेगी, ठीक है। अब देखना है वो निर्णायक मंडल उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखिए उतार लीजिए इधर का, इधर मिटा के हम तैयार कर रहे हैं ग्राफ, बच्चों उतारने पे ध्यान दो आप लोग, इधर मत देखा करो है ना, उधर ही देखा करो जहां जरूरत हो। यस, अरे वक्त बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, ये एक दो इधर तीन माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, इस तरह से ये एक और ये दो तीन इस तरह से, और यहां पे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन इस तरह से। देखिए बच्चों उतार रहे हो तो उतार लीजिए आप, पहले उतार लो, उतार लो ग्राफ तो समझा देंगे, अभी वक्त है हमारे पास।
यस बच्चों, अच्छा एक जानकारी आप लोगों को दे दें, गंगानगर में एक जगह है बच्चों, सुनो वहां के बच्चे तो हमारे करने से पहले ही कर पा रहे हैं, इसकी सूचना हमें लगातार मिलती रहती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिले तारीफ। और वहां के बच्चे दावा कर रहे हैं कि वो 100 में से 100 लेके आएंगे, बहुत अच्छी बात है बच्चों, काबिले तारीफ। यस आइए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो बच्चों अब। और आप में से ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लगातार संपर्क में रहिए। -4 0, तो -4 0 कहां है? -4 0 इस जगह पे, -1 2, -1 2 इस जगह पे, ठीक है ना बच्चों? -4 0 ये था, ये था, और अगला 2 4 वो भी हम लगा लेंगे। देखिए ये इसको मिलाते हुए हम रेखा खींच रहे हैं, और अगला तीसरा बिंदु भी इसी रेखा पे होगा बच्चों, आप चिंता मत कीजिए, वो है 2 4। तो ये 2 की सीध में और ये 4 की सीध में, वो पॉइंट लगा यहां पे, इस जगह पे। जब आप ग्राफ में कर रहे होंगे तो आप लोगों को कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। ये 2 4 इसके निर्देशांक थे, -1 2। अब निर्णायक मंडल हमारी हेल्प करेगा कि इसमें छायांकित, इसको शेडेड किधर करना है। पहले तो इसका जो समीकरण था हमारा, कोई सा भी समीकरण, ये लाइन कोई से भी आप लिख सकते हैं, तो 2x - 3y = -8, 2x - 3y = -8 हमने समीकरण लिख लिया। अब निर्णायक मंडल 0 0, आइए 0 0 से हम चेक करें इसको। यस, वो समीकरण का रूप हमें कहां से उठाना होगा बच्चों? चाहे तो इन्हीं में लगा सकते हैं आप। यस, 0 - 0 और इधर 0 + 0 - 8 = हम इस स्थिति में नहीं लेके चलते, तो -8 इधर 0 है। बताइए ये बात सही है या नहीं है? 0 - 8 से छोटा है क्या? नहीं। इसका मतलब निर्णायक मंडल जो 0 0 है ना, वो इसमें शामिल नहीं, आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है? तो अब यहां पे एक तो ये एरो क्यों आएंगे? हां हां, क्योंकि इस पे स्थित बिंदु शामिल हैं। दूसरी बात, शेडेड भी इधर होगा, तो ये इस तरफ आप थोड़ा सा उसको छायांकित कर लेंगे और ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा बच्चों। हल्का फुल्का आप शेडेड करेंगे, ज्यादा नहीं, इस तरह से। पुनः पुनः सुन लीजिए, 0 0 हमारे इसके हल क्षेत्र में नहीं है, तो जहां 0 0 इस रेखा के इधर की तरफ है ना, उधर नहीं जाना आप लोगों को, दूसरी ओर जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये आसान एक्सरसाइज है, और जैसा हमने कहा कि इस एक्सरसाइज के बाद ये 6 नंबर जाने मत दीजिए, और कोशिश ये रहेगी बच्चों, सुनो, ये संभवतया 26वें सवाल डी पार्ट में 26वें सवाल के रूप में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? डी पार्ट वाले 6 6 नंबर वाले अगर पहले कर लेंगे तो फायदे में रहोगे आप लोग, फिर ए बी सी सीक्वेंस ले लीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आज ये चौथा चैप्टर हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में 17वां जो चैप्टर है, माध्य, माध्यक और बहुलक, उसको लेके हम फिर हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।